नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के मुरैठा पंचायत में। मुरैठा पंचायत की मुखिया होती हैं जलो देवी जी। ये जो शख्स हमारे स्क्रीन पर जिनको हमारे साथ बैठे हुए देख रहे हैं, इनका नाम सबरी चौपाल है। इस पंचायत की जो मुखिया हैं जलो देवी जी, उनके ये कार्यवाहक हैं, मुखिया प्रतिनिधि कह सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पंचायती स्तर पर पूरे बिहार में हमारा सर्वे चल रहा है कि कितना विकास हुआ है, और हम इनसे जानेंगे कि इनके पंचायत में इनके द्वारा क्या क्या विकास का कार्य किया गया है बीते एक वर्ष में, क्योंकि लगातार ये 2011 से मुखिया पद पे विराजमान है। तो सीधे तौर पे आइए रुख करते हैं मुखिया जी की प्रतिनिधि की ओर, जानते हैं इस पंचायत के विषय में क्या क्या विकास का कार्य इन्होंने किया है। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे सर, मुखिया लगातार आप टर्म से बन रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है मुखिया बन के? जी बहुत सा अनुभव प्राप्त किए हैं बनने के बाद। पहली बार तो बने थे तो हमको पता चल रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो समय बिता है तो बहुत सा अनुभव कर रहे हो यहाँ। देखिए नल जल योजना के 18 वार्ड है हमारे पंचायत में, मुरैठा पंचायत 18 वार्ड का है। उसमें काम सारा वार्ड में पूर्ण हम लोग पिछले रीजन में ही किए थे, लेकिन कुछ काम के लिए मरम्मती जो टूट फूट हुआ था वो काम हुआ है। कुछ वार्ड में जो है बकाया है, बाकी अक्षरहा लगभग 15-16 को वार्ड में हुई है, एक दो वार्ड रह गया है। यानी नल जल योजना की स्थिति ठीक है? जी जी ठीक अभी चल रहा है। फिर बात है कि उसमें पानी चलता है फिर लीकेज होता है, फिर रिपेयरिंग कराना पड़ता है। अगर एक जगह रिपेयरिंग हो गया लीकेज हुआ फिर अब 4 दिन वो बंदे रहता है, क्योंकि उसके मिस्त्री एजेंसी को बुलाने पड़ते हैं, क्योंकि अभी जो एजेंसी जो सरकार नियुक्त कर दिया है उसे वार्ड सदस्यों को बहुत कठिनाई होता है। अच्छा, बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला इस पंचायत में? लगभग प्रधानमंत्री योजना में लगभग 1200-1300 को मिला होगा। और बात करते हैं योजनाओं की, 15वीं योजना, 6ष्ठवीं योजना, 15वीं योजना के तहत क्या क्या कार्य हुआ इस पंचायत में? देखिए 15वीं में टाइट और इनटाइट है, दो निकाल दिया है सरकार, जिसमें टाइट से जो है आपको वही नल जल का जो मरम्मती में भी पैसा राशि ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और कुछ नाला भी बनाए हैं, और क्या कहते हैं अभी PCC 15वीं से नहीं किए हैं इस वर्ष में। सिस्टम से क्या क्या कर रहे हो? कस्टम से अभी क्या कहते हैं अभी कचरा प्रबंधन का भी कुछ काम, डब्बा वगैरह रिक्शा वगैरह खरीदे हैं, है ना, और क्या कहते हैं PCC भी ढलाई किए हैं। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? जी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर वगैरह बैठते हैं कि नहीं? जी नहीं, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति नहीं किए हैं। बहुत बार बार विधायक जी का अनुरोध भी किया कि भाई कम से कम आप लोग वहाँ है, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री के कह करके यहाँ नियुक्त करवाइए, लेकिन अभी तक तो कोई उसका कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं है। स्कूल है पंचायत में? जी स्कूल भी है, 10+2 तक है। जी टीचर 10 to 10 आते हैं? जी टीचर आते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा बच्चे लोग के बैठने के लिए बेंच नहीं है। अच्छा, जो मैंने स्कूल में जाके देखता हूँ, अब नीचे में बच्चे लोग क्योंकि वो बड़े हो जाते हैं, दूसरा तीसरा वाला जाता है तो एक बात है जी। लेकिन जो हाई स्कूल में गया वो बच्चे बहुत बड़े होते हैं, उसको बैठने के लिए कम से कम जुगाड़ होना चाहिए। अभी आप पंचायत घूम रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं, अभी मुख्य समस्या क्या है आपकी पंचायत की? देखिए मेरे पंचायत में अब हमारे यहाँ रोड तो मिला जुला के बहुत हो गया, उनमें कहीं दिक्कत नहीं है। सबसे समस्या है कि जल निकासी, जल जमाव की समस्या ज़्यादा है। उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि कितना तक हमको सफलता मिलता है जी। मैं कितना बार मंत्री जी हमारे जाले विधानसभा का जीवेश मिश्र जी मंत्री भी बने जी। कितना बार कहें भी भाई कम से कम 2-3 किलोमीटर नाला आप अनुशंसा कर दीजिए, कम से कम हम लोगों को कठिनाई दूर हो जाएगा, बाकी हम कोई सुनवाई नहीं लिया। मेन रोड में आवाही होइएगा उधर कमतौल, उधर बंधौली, गर्री सब में किया, मुरैठा को छांट के चलो। अच्छा, क्योंकि मुरैठा में हमको समझ में आता है कि मुरैठा में काम करेंगे कि इच्छा है कि नहीं है, भगवान जाने, तो नहीं बता सकते। अच्छा, अभी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में कुछ चीज़ की कमी है? सरकार से मांग यही करना चाहते हैं कि हमारे पंचायत में जैसे अभी सरकार भवन की कमी है, और जो भी जगह एक आपको WPO के जमीन DM साहब ने सब CO साहब को आदेश दिया कि ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराइए, और उसको कराए, उपलब्ध CO साहब कराया, उस पर जो है ग्रामीण लोग ने 44 एक दफ़ा 144 लगा कर काम को थप किए।
तो यहाँ तो जो भी बिहार सरकार जमीन है वो सारा ग्रामीण लोग कब्जा में किए हुए हैं, तो जमीन खाली न मिलता है न काम आगे बढ़ता है। इस तरह की समस्या आ रही है जी, समस्या है। मुख्य रूप से सरकार से हम आए कि हमारा कम से कम हॉस्पिटल चालू कर दें, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, उस हॉस्पिटल चालू हो जाए और क्या कहते हैं कुछ हमारे पंचायत के नाला के लिए जल निकासी है उसका व्यवस्था किया जाए। स्कूल में बेंच नहीं, बेंच नहीं है, स्कूल समस्या है जी जी। और एक किसान के लिए कुछ, उसके लिए भी उस दिन हम लोग मीटिंग में गए थे, बोले कि हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे, अब देखिए सरकार का क्या लक्ष्य है, तो ये भी कम से कम हो जाए, हर खेत तक पानी पहुंचे। एक दो स्टेट बोर्डिंग हो जाए, क्योंकि मेरा नहर के किनारे से ही गांव जा रहा है, तो नहर से भी पानी ला सकते हैं। चलिए, मुख्य रूप से कुछ समस्याएं इन्होंने बताई इस पंचायत में समस्या है। सरकार से कुछ मांगे भी रखी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से, और ये पंचायत का विकास करने में लगातार तात्पर हैं, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण पंचायत का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए बिहार न्यूज़ नेटवर्क पटना।